ये मैंने अमेजन से शू मंगाया है, ये पावर की शू है बाटा की तरफ से। तो चलिए इसका अनबॉक्सिंग करते हैं और इसको मैं दिखाता हूँ आपको। ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी कि अब पैकेजिंग वगैरह दिया ना। इसको कायदे से ओपन अनबॉक्सिंग करते हैं। डब्बा इनकी ये है पावर का और इसके साथ बिल है। तो सबसे पहले मैं आपको बिल दिखा देता हूँ ताकि प्राइस कन्फर्म हो जाए। प्राइम डे सेल में मुझे ये 600 रुपये में मिली है, 683 रुपीज़ में, और चूंकि इसमें कैशबैक 100 रुपीज़ मिली थी मुझे। इसके अलावा ये शूज़ मैं 2 साल से यूज़ भी कर रहा हूँ, तो फिर मैंने ट्रस्ट करके इसको मंगाया है। इसकी एमआरपी आप देख सकते हैं 1300 रुपये है। मैं पहले खोल देता हूँ इसको। तो ये है हमारा शूज़, और इससे पहले मैं ब्लैक कलर में एक और मंगा चुका हूँ, और 2 साल पहले मैंने इसको ब्लू कलर में मंगाया था कोरोना के लॉकडाउन के टाइम पे, और उस टाइम पे मुझे ये 750 रुपीज़ पड़ी थी। और अभी थोड़ी सी उससे सस्ती मिली है, काफ़ी देर तक मैंने सर्च किया था, तो मुझे ये डार्क ब्लू कलर में मिली है। इससे पहले लाइट ब्लू कलर में मैं यूज़ कर रहा था और काफ़ी अच्छा है दोस्तों। ये लाइट वेट है और ये लाइट वेट है काफ़ी अच्छा। इसकी सोल्स ग्रिप वगैरह बहुत शानदार है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये काफ़ी बढ़िया है ये शूज़। तो ये शूज़ अगर आपको मिलता है 600 या उसके नीचे, या फिर आपको 800 तक भी मिलता है दोस्तों, तो ये काफ़ी अच्छी शू है और ये काफ़ी अच्छी ग्रिप वगैरह है। यहाँ टाइट है, ये थोड़ी सी लूज है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये लूज है बट ये सोल काफ़ी ग्रिप अच्छी है। 2 साल से मैं यूज़ कर रहा हूँ, अभी तक ये पूरी तरह से खराब नहीं हुई है इसकी सोल की क्वालिटी, और ये बहुत बढ़िया है दोस्तों, ठीक है। अभी वो 2 साल के बाद ना थोड़ा थोड़ा ये जो सरफेस होता है ना, वो थोड़ा थोड़ा बीच बीच जगह से कट गया है। और मैंने एक लास्ट वीडियो डाला था, उस पर आपको ये दिख जाएगा कि ये शूज़ मैंने खरीदा था, उस समय मैंने अनबॉक्सिंग किया था, मेरे चैनल पे दिख जाएगा, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी ग्रिप है, और ये चूंकि बाटा का है, बाटा की तरफ से जो पावर आती है, पावर ब्रांडिंग है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी एमआरपी वगैरह देख सकते हैं, 1299 रुपये है, 1299 रुपीज़। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, 1299 रुपीज़ है, और 8 नंबर में मैंने लिया है। तो 8 नंबर मैं यूज़ करता हूँ, परफेक्टली फिट होता है। जो मुझे यहाँ लेस वगैरह, लेस वाले 8 नंबर का होता है ना, सेम वही साइज़ का इसमें भी होता है, और ये काफ़ी अच्छी है। लाइट वेट है, ये कपड़े का बना हुआ है, तो ये थोड़ी सी आपको बारिश में भीगने के बाद ये थोड़ा सा फूल जाएगा, बट आपको बारिश में अगर आपको ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, कैजुअली यूज़ करना है, तो काफ़ी अच्छे शूज़ है ड्राई वेदर के लिए। ये आपको एक और फायदा करेगा, ये शूज़ के रूप में तो आप यूज़ कर ही सकते हैं, लेस वगैरह का झमेला है नहीं इसमें झंझट, इसको ऐसे दबा करके ना स्लीपर की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो कभी भी आप ऐसे जगह ट्रैवल कर रहे हैं जहाँ पे आपको स्लीपर कैरी करने का दिक्कत हो रहा है, तो सिंपली आप इस शूज़ को यूज़ करेंगे, बस ऐसे दबा करके आप इसको इसे वियर कर लो, इस तरह से वियर कर लो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा, आप आराम से इसको स्लीपर बना करके भी यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि ये इतना हल्का है, मैं आपको वेट ऐसे वीडियो में तो आपको पता नहीं चलेगा, बट ये काफ़ी हल्का वेट है, काफ़ी हल्की है, ये दोनों शूज़ मिला करके 1/2 kg से कम होगा, 1/2 kg या उससे कम होगा, तो ये बहुत ज़्यादा कम होगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ। जो भी इसका वेट है, बस नीचे का सोल का वेट है, ये पूरी तरह से फोम टाइप का है, एकदम हल्का है, तो आप इसको रनिंग जॉगिंग हर चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। और चूंकि मैंने 2 साल यूज़ किया, अभी भी मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ पुराने वाले को, बट मुझे लगा कि नहीं अब चेंज करना चाहिए, थोड़ा नया वाला हो जाना चाहिए, इसलिए मैंने इसको मंगा लिया है। थोड़ी थोड़ी वियर एंड टियर की मार्किंग इधर आ चुकी है इसके लिए, तो ये काफ़ी अच्छा है दोस्तों। और मुझे ये डार्क ब्लू में मिली है, पुराना वाला लाइट ब्लू था, और एक ब्लैक कलर में भी मैंने मंगा रखा है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, एकदम ब्रांड न्यू है मेरा ब्लैक कलर में, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ इसी वीडियो में। तो ब्लैक कैसे दिखती है तो आपको आइडिया मिल जाएगा, ये एक डार्क ब्लू है, इंडिगो है, और एक ब्लैक कलर में दिखा देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, मैं यहाँ दिखा देता हूँ आपको, ये देख लो आप, ये ब्लैक कलर का है, ब्लैक कलर में कुछ इस तरह से दिखता है, पीछे रेड कलर की मार्किंग है, और ये काफ़ी सुंदर है, ये ब्लैक में है, तो ब्लैक एडिशन ये देख सकते हैं। और सामने ये ब्लैक का है दोनों, तो मैं एक ब्लू वाला इधर से लेते आता हूँ। तो ये आप देख लो, ये ब्लू कलर की है, ब्लू ऐसा दिखता है, ब्लैक ऐसा दिखता है दोस्तों, मैं साइड बाई साइड कंपेयर कर देता हूँ दोनों में, आप देख लो आपको कौन सा बेटर लगता है। मुझे पर्सनली ब्लू ज़्यादा बेटर लगता है, क्योंकि ब्लू उस समय कॉस्टली था, तो मैंने ब्लैक में भी एक मंगा रखा था। पीछे का कलर मैं आपको दिखा देता हूँ दोनों में कौन सा अच्छा लगता है, तो ये मैं एक तरह से कंपेरिजन भी कर दे रहा हूँ दोनों कलर्स में, तो आप देख लो दोनों में कौन सा अच्छा लग रहा है। हालांकि दोनों ही बेटर है, और ये चूंकि नीचे के सोल्स तो गंदे हो जाते टाइम के साथ, बट मायने रखता ऊपर का लुक कैसा है, ऊपर का लुक भी अच्छा है, यहाँ का फिनिशिंग भी बढ़िया है। तो मुझे 2 साल बाद एक इशू आई थी, वो मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ। जब मैं बाइकिंग वगैरह करता था ना, तो यहाँ चोट लग करके ये थोड़ा सा निकल जाती है, ठीक है, एरिया का सोल, धीरे धीरे 1 साल के बाद आपको बाइकिंग वगैरह करने के बाद ये निकल जाएगी, किसी किसी का 6 महीने में निकल जाता, मेरा 1.5 साल के बाद निकला था। तो मैंने इसको लोकल मोची वगैरह से यहाँ पे स्टिचिंग करा दिया था, तो फिर उसके बाद से ये परफेक्टली अभी चल रहा है। तो ये दोनों कलर है दोस्तों, आप देख सकते हैं दोनों में आपको कौन सा बेटर लगता है, मैंने आपको यहाँ पे साइड बाय साइड दे दिया है, कंपेरिजन कर दिया है, तो आप देख लो अभी। और पुराना वाला भी मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये फिलहाल दो कलर मैंने ले लिया है, इसकी रेट मुझे वही 600 रुपये पड़ी थी, और इसकी मुझे 600 रुपये प्लस कैशबैक पड़ गई है, 100 रुपीज़ कैशबैक इसमें दिया गया है। तो यही रहा दोस्तों अभी तक का, आशा है वीडियो पसंद आई होगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और इस तरह की शूज़ की भी मैं परफेक्टली एक अनबॉक्सिंग आपको दे दिया हूँ।